सियासी हरीफ की 14 साल बाद लाहौर में अहम मुलाकात हुई। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की चौधरी बरादरान से उनकी रिहायशगाह पर मुलाकात हुई है। ख्वाजा साद रफीक, सरदार अयाज सादिक, राना तनवीर, अता तारड़ मुलाकात में शरीक हुए हैं। शहबाज शरीफ की तहरीक अदम एतमाद पर तावुन की दरख्वास्त, नून लीग के वफद ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की जानिब से चौधरी शुजात हुसैन को फूल पेश किए। नवाज शरीफ ने आपके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है, ये कहना है शहबाज शरीफ का। अल्लाह ताला आप को सेहत अता करे, ये भी कहा गया शहबाज शरीफ की जानिब से। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे लियाकत अंसारी से। जी लियाकत, बताइएगा मुलाकात में क्या डिस्कशन हुई। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग के सदर शहबाज शरीफ की क्यादत में मुस्लिम लीग का आला सतही वफद चौधरी बरादरान की रिहायशगाह पर पहुंचा है। शहबाज शरीफ जो है वो अपने साथ सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, अताउल्लाह तारड़, राना तनवीर के हमराज जो है वो चौधरी बरादरान की रिहायशगाह पर पहुंचे तो प्रवेश लाई ने उनका इस्तकबाल किया। जो प्रवेश लाई और शहबाज शरीफ ने तकरीबन 14 साल बाद एक दूसरे को गले लगाया और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने जो है वो मुलाकात के आगाज से ही चौधरी शुजात हुसैन को फूल पेश किया और कहा कि ये नवाज शरीफ ने उनको हदायत की थी कि वो आपकी सेहत का भी दरियाफ्त करें और आपके लिए तेज नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए नवाज शरीफ की जानत से फूल पेश करें और मैंने उस हुक्म की तावील की है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की जानत से ये गुजस्ता कबूल करें और अल्लाह ताला आपको सेहत कामला अता फरमाए। उन्होंने कहा कि श्री शुजात हुसैन ने नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उनके लिए फूल भी भिजवाए और उनकी खैरियत भी दरियाफ्त की। अगर बात की जाए तो 14 साल बाद मुस्लिम नून और मुस्लिम लीग काफ की क्यादत की ये एक आला सतही मीटिंग है। 2008 में जब शुजात हुसैन की वालदा का इंतकाल हुआ था तब शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जो है वो यहाँ पर इनकी रिहायशगाह पर आए थे और मुलाकात हुई थी और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के सियासी तौर पर मुखालिफ हो गए और फिर मुलाकात के बाद अब ये मौका आया। जब शहबाज शरीफ हालत के वक्त के साथ गाड़ी से उतरे तो परवेज लाई ने उनका इस्तकबाल किया, गले लगाया, तो सालिक हुसैन ने उनका इस्तकबाल किया और गले लगाया और उसके बाद अब ये मुलाकात जारी है जिसमें शाफी हुसैन, सालिक हुसैन, चौधरी परवेलाई और चौधरी शुजात है, जबकि मुस्लिम लीग की जानब से ख्वाजा साद रफीक, सरदार अयाज सादिक, राना तनवीर, अताउल्लाह तारड़ और शहबाज शरीफ में इस मुलाकात में बाज़ाब्ता तौर पर शहबाज शरीफ की जानब से इस बात की इस्तदा की गई है कि हुकूमत मुखालफ जो तहरीक अपोजिशन बर्पा किए हुए और जिसके तहत वो अदम एतमाद की तहरीक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जाना चाहती है, मुस्लिम लीग की क्यादत इसके हवाले से जायजा ले और इस दरख्वास्त को जो है वो कबूल करे और इसमें तआवुन किया जाए। पहले मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी भी मुस्लिम काफी की क्यादत से मुलाकात कर चुके हैं और अब ये मौका आया है कि आज शहबाज शरीफ आला सतही वफद के साथ पहुंचे हैं। कहा जा रहा है कि ये शहबाज शरीफ की मुलाकात इस लिहाज से इंतहाई अहम है कि जिन चीजों की बुनियाद आसिफ अली जरदारी ने रखी उनको मौलाना फजल रहमान ने आगे बढ़ाया और आज शहबाज शरीफ जो है वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होने वाले फैसलों पर और तावुन के हवाले से काफिली की क्यादत को एतमाद में भी लेंगे और उनसे दरखास्त करेंगे कि वो इस हुकूमत से निजात हासिल करने के लिए उनके साथ तावुन करें। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे लियाकत अंसारी।